नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फेसबुक लाइट का टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे ऑफ करते हैं, यानी कि बंद करते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फेसबुक लाइट पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बंद करने के लिए, ऑफ करने के लिए, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में फेसबुक लाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर में आपको एक थ्री लाइन का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी एंड लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको यहाँ पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ करने के लिए यहाँ पर भी आपको एक टर्न ऑफ का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर भी दिखेगा। तो यहाँ पर आपको टर्न ऑफ करने के लिए यहाँ पर जो टर्न ऑफ का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बंद करने के लिए फिर से आपको टर्न ऑफ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, यानी कि टू स्टेप वेरिफिकेशन है फेसबुक लाइट का, वह बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप फेसबुक लाइट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बंद कर सकते हैं, यानी कि टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।